what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ वजह फातिमा एंड यू आर वाचिंग वजह फातिमा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब, आई होप यू आर वेल। तो हाजिर हूँ मैं आज एक और नई रेसिपी के साथ जो है मिक्स अचार की सब्जी। सो लेट स्टार्ट दी कुकिंग। बिफोर कुकिंग आई एम टेलिंग यू इंग्रीडियंट्स ऑफ द रेसिपी। दो लार्ज साइज़ के आलू लिए मैंने जो क्यूब में काट लिए, वन लार्ज साइज़ के अनियन लिए जो मैंने चॉप कर लिए, एक पाव मैंने मटर लिया, एक गाजर लिया जो मैंने क्यूब्स में काट लिए, 6 अदद हरी मिर्च लिए, 2 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट लिया है, 1/2 कप ऑयल लिया है मैंने, 3.5 टेबल स्पून अचार का मसाला लिया है, दही लिए 4 टेबल स्पून, शिमला मिर्च लिया है मैंने एक लार्ज साइज़ का जो मैंने क्यूब्स में काट लिया है, शलजम लिया है मैंने एक लार्ज साइज़ का जो मैंने क्यूब्स में काट लिया है, 2 लार्ज साइज़ का मैंने टमाटर लिया जो मैंने चॉप कर लिया है। तो अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसके ना प्याज डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया तो अब इसमें प्याज शामिल कर देंगे। हाई फ्लेम में प्याज को ब्राउन करेंगे। एक चुटकी करीब नमक डालेंगे। ये प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँ। और उसके बाद उसमें मैं टमाटर शामिल कर दूँ। प्याज और टमाटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है कि ये यकजा न हो। अब इस पॉइंट में इसमें बाकी चीज़ें शामिल करूँगी। सबसे पहले आलू डालेंगे। उसके बाद शलजम डालेंगे। दही डालूंगी। अच्छे से मिक्स कर लिए मैंने दही को। अब
मसाले जो अचार गोश वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वो मसाले डाली हुई। थोड़ा सा पानी डाल दें, अब मैं इसको गलाऊंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट, इतना कि ये थोड़ा सा गल जाए। बाकी सब्ज़ी जल्दी गल जाती है, आलू और उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको पहले थोड़ा सा गला लूँगी, उसके बाद बाकी सब्ज़ियाँ इसमें ऐड कर लूँगी। अब रोकने में थोड़ी देर मैंने इसे पका लिया, और ये थोड़े आलू और ये थोड़े गल चुके हैं। अब इसको ऐड करेंगे इसमें मटर और गाजर शामिल कर रही हूँ। इसमें पानी डाल देंगे, अब इसे कम से कम 25 से 30 मिनट अच्छे से सारी सब्जियों को गलाऊंगी। आधा घंटा तकरीबन गुजर चुका है, आलू मटर वगैरह हमारे तकरीबन गल गए। शिमला मिर्च डाल दी उसके अंदर और हरी मिर्च डाल दी। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट शिमला मिर्च गलने तक पकाऊंगी और उसमें भून लूंगी अच्छे से, और फिर हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, शिमला मिर्च हमारी गल गई है, आसान हमारा तैयार हो चुका है और ये भुना भी गया है, ऑयल ऊपर आ चुका है, आसान है डन है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ, अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर आया इसका। और ये हमारी मज़ेदार सी मिक्स अचारी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ उसे खाने, आप भी जाइए बनाइए और कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलिए, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।